दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्ला खान को कौन नहीं जानता है। वो अपने इंडिया में रह करके एक ऐसे सहनाई वादक थे जिनको इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी लोग उनको जानते थे। आज हमारे साथ कुछ ऐसे ही सहनाई वादक है जो उस्ताद बिस्मिल्ला खान तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो जो अपनी पहचान है वो इन सब के बीच में छोड़ के चले गए हैं। क्या नाम है सबसे पहले, आप नाम बताइए अपना। अर्जुन प्रसाद जी। जी, ये कब से आप स्टार्ट किए हैं सन 2000 से शुरू किए हैं जी। आप उस्ताद बिस्मिल्ला खान को तो जानते ही होंगे, अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, देखते हैं पहले, देखे होके हैं पहले नहीं? देखे, उन्हीं के बीच से थोड़ा सा उनका भी रियाज करते हैं। अच्छा, हाँ, तो मतलब उनका भी थोड़ा बहुत रियाज हो जाता है। उनका करते हैं, उनका भी रियाज। तो आपने कहाँ पे ये सब सीखा है? हम मिर्जापुर से सादत कुमार जो मिर्जापुर के थे उन्हीं के शागिर्द बाकी लाल जी थे, उनके साथ से रह करके सीखे हैं। हाँ। तो अच्छा, क्योंकि देखा जाए इस समय जो ये जनरेशन चल रहा है, हाँ, और ये सब कहीं न कहीं लुप्त होते दिखाई दे रहे हैं। हाँ। और लोग अपने शादी विवाह में या कोई बर्थडे कुछ भी होता है, हाँ, लोग डीजे वगैरह करते, हाँ, हैं, तो कैसे आप लोगों का अभी ये चल रहा है? लोग डिमांड क्या अभी भी इन सब का है या? अरे अभी भी इनका डिमांड खास साहब के न रहने की वजह से इनका डिमांड बढ़ गया। अच्छा, उनके न रहने की वजह से बढ़ गया? बढ़ गया। अच्छा, क्योंकि छाप छोड़ के चले गए हो। हाँ हाँ, अब उसके वजह से इस चीज का खींच ज्यादा हो गया। हम लोगों को अब लोग बुलाने लगे, काम कराने लगे, हाँ, प्रोग्राम करवाने लगे, सब यही सब है। तो आप मतलब यही काम करते हैं, इसके अलावा कोई और काम नहीं करते हैं? काम नहीं करते हैं। अच्छा, तो जाते हैं विवाह शादी में, क्योंकि जब विवाह शादी का जब स्टार्टिंग होता है और शुभ अवसर पे ही लोग सहनाई बजवाते हैं। कोई ऐसा धुन हो जो ऑडियंस को सुनाना चाहे, थोड़ा सा आप सुनाइए। अच्छा, हाँ, तो चलिए थोड़ा सा धुन इनका सुनते हैं, क्योंकि ये सब देखा जाए तो कहीं ना कहीं लुप्त होता दिखाई दे रहा है। ये कौन सा धुन है? ये धुन जो आपने बजाया है ये कब बजता है? शादी पर, जैसे मान लीजिए कि शादी वगैरह बैठता है, हाँ, तभी बजता रहता है, शादी होता रहता है। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये धुन बजाइए, जैसे जब होता नहीं एक विवाह शादी में जो होता, हाँ, है, दूल्हे का सहरा सुहाना, हाँ, हाँ, ये भी बजा लेते हैं। सब बजेगा, एक दो धुन सुना के बताइए, थोड़ा बजाइए। अच्छा, ये ज्यादातर देखा जाए तो सीजन में ही चलता है, हाँ, उसके पहले आप क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए कजली हो गया। अच्छा, कजरी भी करते हैं। पूरी हो गया, हाँ, तो उसमें जैसे प्रोग्राम आ गया तो उसमें भी करते हैं, मतलब कजरी में भी जाते हैं, हाँ, चले जाते हैं। तो जैसे इनके आपके बेटे हैं, हाँ, ये लोग भी मतलब यही काम करते हैं, इसके अलावा कुछ भी काम रहता है? अच्छा, मतलब दोनों लोग रहते हैं, तीनों लोग। कि बाजा अपना देश का बाजा है, हिंदी बाजा है पेवर भाई, इसके लोग चाहने वाले अभी बहुत पड़े हैं, लोग बुलवाते हैं, कराते हैं काम और पसंद करते हैं इसको, इसलिए अभी लोग चलते चले आ रहे हैं इसको। अच्छा, मतलब अभी लोग इसके शौकीन हैं, लोग अभी भी इसको चाहते हैं, शौकीन इसके लोग अभी भी। तो देखा जाए, देखिए संगीत बहार इनका जो ये पार्टी है, ये मिर्जापुरी सहनाई पार्टी है, और ये संगीत बहार इनका जो नाम है, इस देखा जाए तो अर्जुन प्रसाद है। अर्जुन प्रसाद जी बड़े बड़े विवाह में, पार्टी में, या बड़े बड़े बर्थडे जिसका भी होता है, लोग इनको बुलाते हैं
क्योंकि जो इसका महत्व जानता है वही लोग इनको बुलाते हैं। सावन का महीना चल रहा है इस समय, कोई नागिन मतलब जो होता है बीन वाला होता है, बीन वाला धुन अगर कोई हो तो बजा दीजिए थोड़ा सा जी। हो आइए थोड़ा सा तबला जो बजा रहे हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि इतने कम एज में अगर देखा जाए तबला सीखना, और तबला अगर देखा जाए तो बहुत हार्ड है और इसको बजाना, जानते हैं इनको इसका सीक्रेट क्या है, ये कैसे सीखे थे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिव मोहन मुरारी है। अच्छा, हाँ। तो तबला इतने कम उम्र में पढ़ाई करते हैं नहीं आप? हाँ, पढ़ाई करते हैं। कितने तबले से एमए करे, मास्टर्स डिग्री बीएचयू से। अरे वाह, तो मतलब बचपन से ही शौक था या किसी को देख करके आपने तबला सीखा है? शौक भी था लेकिन कुछ लोगों को मतलब देखने के बाद अंदर से और सीखने का। ये जो जनरेशन अभी चल रहा है लोग अलग अलग कुछ सीख रहे हैं, कोई कंप्यूटर सीख रहा है या तो कोई कुछ दूसरा कुछ सीख रहा है, इसका जो देखा जाए ये धीरे धीरे गुम होता दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने कैसे इसको तबला चॉइस कर लिया कि हमको तबला ही बजाना है? अब गुरु जी का देखते देखते सुनते सुनते लोगों से मतलब यूट्यूब से देखते देखते ये सब अच्छा लगा और ये सब सीखने का थोड़ा सा। अच्छा, गुरु जी कौन है आपके गुरु? चंदन विश्वकर्मा। अच्छा, तो ये मतलब कितना समय लगा था ये आपको सीखने में? ये 10 साल। 10 साल में सीखे थे, तो कैसे आप चला लेते हैं दोनों उंगली? देखते हैं बहुत मतलब ये कठिन कार्य है करना। ये एक धैर्य के साथ निरंतर प्रयास करने से होता है, ये जल्दी कठिन है इसको थोड़ा सा सीखना, इसको रियाज करेंगे तभी आएगा, एक बोल को थोड़ा सा अच्छे से बजाने से, अच्छे से प्रयास करने से तब आएगा। अच्छा, तो मतलब आगे क्या प्लान है, आगे क्या करना चाहते हैं? आगे प्लान है कि इसमें प्रोफेसर बनेंगे या फिर टीचर बनेंगे। अच्छा, मतलब हाँ, इस लाइन में भी मतलब क्रेज हाँ, है आगे? बिल्कुल है। हाँ, तो आप बीएचयू से मतलब ये कर हाँ, रहे हैं सब। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में, आप लोग एक बार जरूर कमेंट करिए। बाकी आप लोगों को स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा इनका, आप लोग अगर इनको चाहते हैं शादी विवाह में बुलाना तो आप लोग फोन करके इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियो को आप लोग प्लीज आप लोग शेयर करिए और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।